हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम अनुपमा चंद्रा और अब हम आते हैं अपने सुपर सेवन डेज ऑफ 2022 के डे फाइव पर। तो हमें डे फाइव पर क्या करना है ये मेरे साथ जानिए। डे फाइव की एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल है। इसमें क्या करना है कि कम से कम दो पेजेस अपने रैंडम थॉट से भरिए, यानी कि बिना सोचे समझे वाले थॉट से भरिए। अपने मन में अटके हुए विचारों को बाहर आने दीजिए। इसके लिए आप अपने अनियमित विचारों को किसी डायरी या नोटबुक या पेपर पर लिखिए और अपने आप को इन विचारों से भार मुक्त करिए। इस एक्सरसाइज को एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आप जो भी पेपर लेकर बैठ रहे हैं और जो पेन लेकर बैठ रहे हैं, एक बार आपने पेपर पर पेन को लगा दिया तो अब आपको दो पेजेस तक सिर्फ लिखते जाना है, सोचने के लिए रुकना नहीं है। क्योंकि इसका पर्पस यही है कि जो भी कुछ आपके मन में, जिसको हम सप्रेस करते हैं कॉन्शियस माइंड में, जो हम सोचते हैं कि हमें नहीं कहना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, वो सब भी बाहर आना जरूरी है। और न्यू ईयर से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता जब अब आप अपने आप को क्लीन कर लें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया और उसने कहा कि गुरुजी, मुझे जो है कुछ अच्छी चीजें सिखा दीजिए और जल्दी जल्दी सिखा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम कल आना। फिर वो कल आया, बुद्ध ने कुछ नहीं उसको सिखाया। वो बोला कुछ तो सिखाइए, मेरे दिमाग में कुछ तो डालिए। तो बुद्ध ने कहा नहीं, तुम सिर्फ मुझे यहाँ बैठकर देखो कि जो मैं ध्यान साधना करता हूँ, बस उसको ऑब्जर्व करो। इस तरह से 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो वो इंसान थोड़ा परेशान होने लगा। फिर 10वें 11वें दिन बुद्ध ने उसको एक छोटी सा कोई ज्ञान दिया। तो उसने कहा बस इतना ही इतने दिनों के बाद। तो बुद्ध ने बोला कि तुम्हारा दिमाग अभी इतना भरा हुआ है, उसमें कुछ डालने की जगह ही नहीं, पहले खाली करो, तभी तो कोई नई चीज चाहिए। तो ये जो दो पेजेस रैंडम थॉट्स लिखने की एक्सरसाइजेस का भी यही पर्पस है कि जो आपके मन में बहुत कुछ अटका हुआ है, बहुत कुछ कचरा भर गया है, वो जब बाहर निकलेगा आपका दिमाग खाली होगा। जैसे कि कोई कप में चाय भरी हो और आप और डालते जाएं तो वो बाहर ही गिरेगी ना। कप को खाली तो करना होगा, तो दिमाग को खाली कर लिया तब आपके नए थॉट्स एब्जॉर्ब होंगे, नई हैबिट्स एब्जॉर्ब होंगी, तब आप अपनी डेस्टिनेशन यूपीएससी आईएएस की तरफ ज्यादा आराम से और ज्यादा तेजी से बढ़ पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली करो, कोई और नहीं पढ़ेगा इन टू पेजेस को, आप ही पढ़ेंगे। तो इसलिए पेन को पेपर पर टिकाओ, तब तक मत रुको जब तक दो पेजेस कंप्लीट ना हो जाए। अब जैसा आप देख रहे हो डे सिक्स का वीडियो नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको आप क्लिक करो और डे सिक्स में पहुंचो। मैं वहीं पर आपसे मिलूंगी।